दोस्तों, यदि आदमी को ईश्वर में दृढ़ विश्वास और लगन हो तो वह दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। ऐसी ही एक झकझोर देने वाली कहानी है अमेरिका के टेनेसस में जन्मी विल्मा रुडोल्फ की, जिसने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान में किसी कार्य के प्रति दृढ़ विश्वास और लगन हो तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। तो चलिए हम लोग इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यह एक पोलियोग्रस्त बालिका की कहानी है जो महज 4 साल की उम्र में निमोनिया और काला ज्वर की शिकार हो गई। इस वजह से उसके पैरों में लकवा मार गया। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि विल्मा रुडोल्फ अब चल ना सकेगी। क्योंकि विल्मा का जन्म टेनेसस के एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी माँ विचारों की धनी थी। उसने विल्मा की हिम्मत बढ़ाई। विल्मा की माँ ने कहा, नहीं विल्मा, तुम भी अपने पैरों पर चल सकती हो अगर तुम चाहो तो। माँ के हौसलों से विल्मा की इच्छा शक्ति जागृत हुई। फिर क्या था, विल्मा ने डॉक्टरों को चुनौती दी, क्योंकि माँ ने कहा था यदि आदमी को ईश्वर में दृढ़ विश्वास के साथ मेहनत और लगन हो तो वह दुनिया में कुछ भी कर सकता है। अब शुरू हुआ चमत्कारों का सिलसिला। 9 साल की उम्र में वह उठ बैठी। 13 साल की उम्र में पहली बार एक दौड़ प्रतियोगिता में शामिल हुई, हालांकि इसमें वह हार गई। फिर लगातार 3 प्रतियोगिताओं में हारी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में गई और वहाँ एड टेम्पल नामक कोच से मिली। विल्मा ने एड टेम्पल से कहा कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ, इसमें आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं। कोच टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इस दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने कोई बाधा टिक ही नहीं सकती, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूँगा। इसके बाद विल्मा कोच टेम्पल की देखरेख में लगातार अभ्यास करती रही। अब आया वो समय जिसका विल्मा को बहुत अरसों से इंतजार था। 1960 की विश्व ओलंपिक प्रतियोगिता में वह भाग लेने आई। उसका मुकाबला विश्व के सबसे तेज धाविका जुत्ता हैंस से था। बावजूद इसके विल्मा के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक अपंग लड़की हवा के वेग से दौड़ सकती है। वह दौड़ी और 1, 2, 3 प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर 100 मीटर 200 मीटर तथा 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। विल्मा ने यह साबित कर दिया कि एक अपंग व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति से कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह सीख देती है कि अपने दृढ़ संकल्प और लगन से हम कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।